सो गाइस फाइनली मेरे पास एडवांस सर्वर आ चुका है एंड इसका फर्स्ट लुक मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमको बिल्कुल न्यू मिस्ट्री करेक्टर अपना मिल चुका है एंड उसी के साथ साथ वहाँ पे कितने सारे डायमंड हम लोगों को फ्री में मिल रहे हैं कुछ लॉग इन करने से एंड कुछ गाइज इन लोगों ने खेलने से टास्क पे दे रखे हैं। सो इस वीडियो को गाइज आप लोग पूरा देखना क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को फर्स्ट लुक के साथ साथ 5 एडवांस सर्वर के एक्टिवेशन कोड का गिव अवे होने वाला है। एंड जिन जिन बंदों को एडवांस सर्वर के कोड मिलेंगे प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर देना ताकि सबको पता चल जाए कि भाई वो एकदम रियल एंड जेन्युइन कोड दिए थे, कोई भी फेक कोड नहीं थे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टोर दिखाना शुरू करता हूँ करेक्टर। चलो सबसे पहले देखते हैं करेक्टर में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादातर ओन्ड है बट यहाँ पे आप लोगों को मीशा करेक्टर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गाइस आप लोगों को मीशा करेक्टर एंड पलोमा करेक्टर के जो लुक है ना इसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एडवांस सर्वर के स्टोर के अंदर भाई आप लोगों को बंडल्स के अंदर कुछ रेयर बंडल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एक डायमंड के हैं। यस आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिर्फ एक एक डायमंड के बंडल टॉप हेयर। एंड अभी देखो मैं आप लोगों को परचेज करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल आप सब कुछ परचेज कर सकते हो। एंड आप लोग मेरे को बताना आप लोगों का सबसे फेवरेट बंडल इनमें से कौन सा है। मेरा तो ये वाला जो आप देख रहे हो ब्लैक छोटी वाला आयरन ब्लेड बंडल है। एंड आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि आपका कौन सा सबसे फेवरेट बंडल है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को ऐसे शूज़ में बंडल्स में एंड कलेक्शन में ही गाइस अभी हम चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 3 इमोट देखने को मिल रहे हैं एंड अपनी 3 एनिमेशन देखने को मिल रही हैं। एंड भाई एनिमेशन आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छा किया एनिमेशन ऐड करके। सो ये भी सबकी सब एक एक डायमंड की हैं। सो आप लोग बहुत आराम से परचेज कर पाओगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आप लोगों को एक्टिवेशन 5 एक्टिवेशन कोड का गिव अवे होने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो पूरा वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किप किए। एंड यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स भी देखने को मिल जाएंगे जैसे आप लॉगिन करते जाओगे। 8 दिन लॉगिन करने से भाई आप लोगों को 3000 डायमंड ऐसे करके मिलते जाएंगे। एंड अगर आप लोग यहाँ पे 30 यहाँ पे देख सकते हो 30 मिनट्स तक खेलते हो तो भी आपको डायमंड मिलेंगे। ऐसे करके जैसे ही आप खेलते रहोगे आप लोगों को डायमंड्स मिलते जाएंगे एंड उसका आप लोग एडवांस सर्वर में कुछ भी परचेज कर सकते हो। पर भाई पहले ही बता दूं एडवांस सर्वर से अपनी रियल आईडी में कुछ भी गिफ्ट नहीं कर सकते हो एंड जो भी चीज़ें हैं भाई ये बस आपके पास एडवांस सर्वर में ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को आर्मरी वाले सेक्शन में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी तक कॉस्ट्यूम पैक ऐड नहीं किया गया है बट यहाँ पे मैजिक क्यूब के अंदर भाई आप लोगों को एक बहुत ही मतलब रेयर बंडल देखने को मिल रहा है जो कि अपना आर्टिक ब्लू। एंड पहले भाई बता दूँ एडवांस सर्वर अपना इंडोनेशिया सर्वर के ऊपर बेस्ड रहता है। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आर्टिक ब्लू आप लोगों को यहाँ मैजिक क्यूब में देखने को मिल रहा है सो जब अपना इंडियन सर्वर का अपडेट आएगा सो वहाँ पर भी वो आया हो। इसीलिए भाई बाद में मेरे को आके मत बोलना कि भाई आपने कहा था आर्टिक ब्लू आएगा, आया नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। सो अभी हम स्टोर से बाहर निकलते हैं और चीज़ें नए करेक्टर एंड पेट्स के ऊपर बात करते हैं। सो उससे पहले अगर आप लोग एडवांस सर्वर में मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आप लोग मेरी यूआईडी देख सकते हो, इस यूआईडी पे आप लोग रिक्वेस्ट कर देना एंड गारंटी है कि भाई मैं आपकी यूआईडी की रिक्वेस्ट ले लूँगा, मतलब आपकी रिक्वेस्ट ले लूँगा एंड फिर हम लोग साथ में खेल पाएंगे। एंड उसके बाद भाई हम लोग शुरू करते हैं अपने करेक्टर देखना, देखते हैं कौन कौन सा करेक्टर न्यू आया है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं 2 करेक्टर न्यू अपने आ चुके हैं। सबसे पहला तो अपना कैंटा करेक्टर है, ये करेक्टर अपना न्यू नहीं है, ये अपना पिछले अपडेट में भी आ चुका था। बिल्कुल क्रोनो जैसा करेक्टर है भाई, कोई शील्ड बनाएगा जो आपकी सामने वाली जो गोली होती है ना मतलब जो आपका एनिमी फायर करेगा उसका 60% डैमेज कम कर देगा। एंड उसके बाद भाई आप लोगों को एक करेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम है मिस्ट्री करेक्टर। अब वो मिस्ट्री करेक्टर का नेम लुक कुछ भी अब तक रिवील नहीं हुआ है, बस इतना पता कि वो मिस्ट्री करेक्टर है। सो चलो मैं आप लोगों को मिस्ट्री करेक्टर की भी लुक दिखाता हूँ। सो इसके बाद गाइस ये तो अपना कैंटा ही है। सो अभी मैं आप लोगों को अपना मिस्ट्री करेक्टर भी दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी एबिलिटी बताता हूँ। इसकी एबिलिटी ये है, आप लोगों को बता दिया है मैंने कि 65% जो आगे से डैमेज आएगा 4 सेकंड तक अपना कैंटा करेक्टर रोक सकता है। एंड जैसे जो यूज़र है मतलब हम है फायर करेंगे तो इसकी जो एबिलिटी होती है वो रीसेट हो जाएगी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये मतलब ये कैसे वर्क करेगा, बट जैसे ही भाई मेरे को ये करेक्टर मिलता है मैं आप लोगों को पूरा डेडिकेटेड समझा दूंगा ये कैसे वर्क करेगा। एंड आई थिंक जब यूज़र हम लोग फायर करेंगे तब जो इसकी एबिलिटी है वो चलनी बंद हो जाएगी, मतलब ये बस सामने से डैमेज रोक सकता है, आगे से अगर आप फायर करोगे तो इसकी एबिलिटी बंद हो जाएगी। एंड मिस्ट्री करेक्टर की एबिलिटी ये है, वो आपके 100 मीटर के अंदर एक ड्रोन रिलीज़ कर देगा एंड आपके पास जो सबसे मतलब क्लोज आपके एनिमी होगा ना उसके 5 मीटर के अंदर ना एक अजीब सा मतलब बम जैसा फूटेगा, मतलब ग्रेनेड जैसा एक एक्सप्लोड होगा। एंड उसके बाद उसकी 50% मूवमेंट स्पीड, 30% रेट ऑफ फायर एंड 25 का डैमेज आएगा उसको, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी वो बंदे की मूवमेंट। उसी के साथ उसकी गन से जो गोली निकलने की स्पीड होती है
वो भी बहुत कम हो जाएगी एंड 25% उसको डैमेज भी पड़ जाएगा। एंड उसके अंदर जब उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी जीरो होगी तब आप उसको बहुत इजीली किल कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा ब्रांड न्यू पैट है जिसका नाम है फिन। इसकी एबिलिटी मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। जैसे गाइस आप लोग नॉक हो जाओगे या फिर आप लोगों को कोई किल कर देगा 20 मीटर के अंदर, भाई आपका जो मतलब टीममेट होगा तो उसको भाई 4% मूवमेंट स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी। एंड उसके बाद भाई ये वाला पैट आप लोग देख सकते हो, ये भी पिछले ओबी अपडेट के अंदर ऐड हो गया था बट ये अपने इंडियन सर्वर के अंदर नहीं आ पाया क्योंकि आप लोगों को पता होगा अपने इंडियन सर्वर के अंदर अपना फ्री फायर जो बैन हो चुका है। एंड सभी बंदे हैशटैग अनबैन लगा देना अगर आप लोग चाहते हो कि फ्री फायर जल्दी से जल्दी अनबैन हो जाए। एंड हैशटैग लीव वो लोग लगा देना जो लोग गेम छोड़ चुके हो। एंड इसका जो एबिलिटी है वो ये है कि जब भी आप लोग एक इनहेलर मेडिकेट या फिर रिपेयर किट यूज़ करोगे तो 50% चांसेस होगे कि आप लोगों को एक और मेडिकेट इनहेलर या फिर रिपेयर किट मिल जाए। जैसे आप मेडिकेट यूज़ करोगे चांसेस है मेडिकेट मिल जाए, रिपेयर किट करोगे तो रिपेयर किट मिल जाए, ठीक है। एंड रोज़ वाली ये एनिमेशन तो बहुत ओपी है, ये अपने तब ऐड हो जाएगी जब अपने जो गेम के अंदर है वो अपडेट आ जाएगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग पलोमा का न्यू लुक देख सकते हो, मतलब पलोमा के जो हेयर हैं वो थोड़े चेंजेस हुए हैं, आप लोग राइट में देख पाओगे बट अभी मैंने इसके हेयर लगाए हैं तो आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा। उसके अलावा भाई ये वाली लाइफ बहुत छोटी थी इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग लाइव एंड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग मीशा का बंडल देख सकते हो। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, अंटोनियो का जो एनिमेशन था ना वो भाई गरीना वाल ने थोड़ा डिफरेंट कर दिया भाई, मतलब क्या ही एनिमेशन इसका ऐड कर दिया है। मेरे को तो ये वाला एनिमेशन काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बता देना, ठीक है। एंड अब मैं बता देता हूँ कि एक्टिवेशन कोड कहाँ और कैसे मिलेंगे, जल्दी से जाओ भाई लोग एंड फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में चेक करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, आप लोगों को 5 एक्टिवेशन कोड मिल जाएंगे। जिन बंदों को एक एक्टिवेशन कोड लग जाएंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।